पूरी दुनिया इस समय कोरोना के संकट से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए जो उपाय किए गए उससे आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट? मैंने मुख्यमंत्री जी का आपके साथ बहुत लंबा इंटरव्यू मैंने सुना और देखा, और उससे तो ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो कोई कोविड-19 से बीमारी नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आम लोग सरकार के साथ या इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए तैयार थे, वहीं इतना किसी प्रदेश में लोगों को नहीं डराया गया होगा जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने डराया। ये बीमारी है, कोई क्राइम नहीं है। मुकदमे देखिए, कितने मुकदमे लग गए लोगों पर, हजारों की संख्या में मुकदमे लग गए। और फिर कहा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा जा रहा है कि 1 लाख बेड तैयार हैं। मैं इनकी ही गिनती को सोच रहा हूं कि कहां 36,000 से शुरू किया और आज 1 लाख से ज्यादा बेड तैयार कर दिए। उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक KGMU है, आपका रामलाल लोहिया इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, सैफई का एक बड़ा हॉस्पिटल है, मेरठ का हॉस्पिटल है, आगरा का हॉस्पिटल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ में ही बेड कितने तैयार हैं। तो ऐसे हमारी सरकार जो बेडों के केवल आंकड़े बता रही है, और फिर टेस्ट कितने किए जा रहे हैं, शुरुआती दौर जहां पर हमें टेस्ट बढ़ाने चाहिए थे। लोग कहते हैं पीक आएगा, कभी मैंने एक्सपर्ट्स को सुना कि जून में पीक आएगा, फिर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जुलाई के अंत तक पीक आ सकता है, फिर कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं नवंबर में पीक आएगा। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कभी पीक नहीं आएगा, और पीक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। जब टेस्ट नहीं होगा तो हम पीक क्या जानेंगे। देखिए, दिल्ली टेस्ट करने जा रहा है, दिल्ली के मुकाबले हमने कितना टेस्ट कर लिया। जहां तक, और अब तो देखिए, कोई एक विभाग है दिल्ली का विभाग, न जाने कितना प्रचार करता था आयुष की, आप ऐप लोड कर लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए। अरे, कोई काढ़े की दवाई बाबा रामदेव जी ने बनाई, सब उनके खिलाफ हो गए। बाबा रामदेव की दवा के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये तो बाबा रामदेव जी जाने और दिल्ली की सरकार जाने, दोनों एक हैं, कोई अलग थोड़ी है दोनों। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की है उसने वाजिब काम नहीं किया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक भी टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी। अब बताते हैं कि वो हजारों में हो गई है, तो आखिर अगर फैसिलिटी है तो टेस्ट तो हो रहे होंगे ना? मैं ये जानना चाहता हूं कि आज 4 महीने हो गए लगभग, आज फैसिलिटी बढ़ी है। अब सरकार ये बता रही है कुछ दिनों बाद हम इतने टेस्ट करने लगेंगे। 2 महीने कैसे गुजारे आपने, 3 महीने कैसे गुजारे आपने, और फिर आपने इतना डरा दिया लोगों को कि लोग घबराए हुए हैं। और फिर सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के बढ़े हैं, कोई सरकारी ने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज का सरकार दावा कर रही है, मान लीजिए वो दावा कर रही है कि इतने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इतनी सीटें बढ़ा दी हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बना है। आप जौनपुर गए, आपने नाम बदल दिया, यही मेडिकल कॉलेज बनाया आपने। आपने चंदौली का मेडिकल कॉलेज जो बनना था वो मिर्जापुर भेज दिया। बांदा के मेडिकल कॉलेज को कोई इंतजाम नहीं किया आपने। आपने आगरा का मॉडल बताया कि आगरा मॉडल सबसे सुपीरियर मॉडल होगा, लेकिन आगरा में दुर्दशा क्या हुई। आप क्वारंटीन सेंटर्स में देखिए क्या हालत थी, लोगों ने क्या क्या बातें कही, ना खाना मिला, ना कोई इंतजाम था उनका, ना टेस्ट हुआ। और फिर देश में इकलौता उत्तर प्रदेश के क्वारंटीन सेंटर रहे होंगे जिसमें सांप काटने से बच्चे मर गए, एक बच्चा गोंडा में सांप काटने से मर गया। और फिर जब इतनी महामारी चल रही थी, वैश्विक महामारी से सब डरे हुए थे, आप बताइए मजदूर, हमारे किसान, हमारे लोग क्या हालत में थे। मजदूर पैदल चलते चलते निकल गए उत्तर प्रदेश से, और तब आप निकल गए जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बसेस हैं। बेड की जो बात हो रही है अखिलेश जी, तो बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्होंने एक्वायर किए हैं ऐसा सरकार ने बताया। शारदा मेडिकल कॉलेज है जैसे ग्रेटर नोएडा में, वो कोविड सेंटर बना दिया। क्या इस तरह के एहतियाती कदम आपको मौजूद लगते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सरकारी इंतजाम आपने कितना बढ़ाया। आप तो दावा ये कर रहे हैं कि सरकारी इंतजाम हमने बढ़ाया। शारदा मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, संतोष मेडिकल कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लखनऊ में मान लीजिए लोहिया इंस्टीट्यूट है, आपने बजट क्यों कम कर दिया।
आप अपने गोरखपुर का मैं जानना चाहता हूं, गोरखपुर में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, समाजवादी सरकार ने दिया, क्योंकि बच्चों की वहां बहुत हालत खराब हो जाती है जब जब कभी बुखार फैलता है। आपने उसका बजट क्यों रोक दिया, आपने क्यों नहीं बनाया? आपको दो दो एम्स की जमीन समाजवादी सरकार ने दी, जो आज रायवर्ली में एम्स बन रहा है उसकी जमीन अगर दी है तो समाजवादी सरकार में दी गई। गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज जो एम्स बन रहा है उसकी जमीन समाजवादी सरकार के समय दी गई है। आपने कितना काम आगे बढ़ा दिया, कम से कम चालू तो कर देते ढाई साल तीन साल में। आप मजदूरों को छोड़ दिए, अगर एक भी मजदूर की मदद की हो सरकार ने, जो गरीब बेचारे चले और रास्ते में एक्सीडेंट से मर गए, एक्सीडेंट में आपने पुलिस के लोगों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि आपको ये पता था पुलिस कुछ उनको बैठा दे रही है ट्रकों पर, क्योंकि पुलिस की गलती थी। 70 से ज्यादा लगभग मजदूरों ने जान खो दी केवल उत्तर प्रदेश में, समाजवादी लोगों ने कम से कम उनकी मदद की है, अपने पार्टी के खर्चे पर 1,00,000 रुपए उनके परिवार की मदद की है। पर चलते आरोप लगाते हैं आपने कुछ किया नहीं, आप तो सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं। नहीं, वो तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्विटर अभी नया सीखे, मुख्यमंत्री जी सीखते सीखते सीख रहे हैं। और जहां मदद की बात है, सरकार की जिम्मेदारी है मदद करना। गर्भवती महिला मान लीजिए चली है और उसके बाद भी उसको चलना पड़ गया हो, क्या मदद की सरकार ने? मां ने बच्चा पैदा बॉर्डर पे हो गया तो मां ने नाम रख दिया बॉर्डर, बॉर्डर सिंह है यहां पर, यहां लॉकडाउन यादव है। यहां याद कीजिए, ये वही काम हुआ है जिस तरीके से नोटबंदी में काम हुआ था। नोटबंदी में भी कोई सरकार ने भी धोखा दिया। सरकार ने क्या वादे दिखाए थे, क्या सपना दिखाया था? नोटबंदी से पूरा व्यापार खत्म हो गया, जीएसटी के बाद और उद्योग बर्बाद हो गए, वैश्विक महामारी जब से आई है तो और बर्बाद हो रहे हैं। तो सरकार आखिरकार क्या कर रही थी? और फिर सरकार ने देखा नहीं मजदूर कैसे पैदल चले। सरकार के पास 70,000 से ज्यादा बसेस थी, इन्होंने बसेस क्यों नहीं दी? एक भी मजदूर उत्तर प्रदेश में पैदल नहीं चलता अगर सरकार चाहती तो।